वैसे जे बात अब बता, ये रहा माइक। गुरुजी मैं आपसे बड़ा प्यार करती हूँ। मैं जब भी बरसाने जाऊँ मैं मम्मा को कहती हूँ मम्मा। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमय प्रश्नोत्तरी में। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। राधे राधे निकुंज जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज आपके सामने खड़ी हूँ और आपके चरणों में मेरा नमन है। मैं आपकी भागवत कथा सुनती हूँ, सुनने के बाद में मैंने लहसुन प्याज सब छोड़े हैं और भगवान को भोग करके लगा के सुबह मैं खाती हूँ, वही भोग लेती हूँ, उसके अलावा नहीं खाती हूँ। जो भगवान खाते वही मैं खाती हूँ। अच्छा। मेरा सवाल ये है कि मैं एक ब्याहता औरत हूँ और मेरी शादी को 21 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने सास और पति और मेरे बच्चों के साथ ही रहती हूँ। लेकिन फिर भी मेरी सास का व्यवहार जो है शुरू से मेरे साथ थोड़ा स्ट्रिक ही रहा है, लेकिन मैं अपने कर्तव्य पे बिल्कुल ध्यान देती हूँ और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद मेरे ही कर्म ऐसे रहे होंगे जो हमें ऐसा कुछ ना कुछ मिलता रहता है। आपकी भागवत कथा से पूरा निवारण मिल जाता है मुझे ज़िंदगी में और हल भी मिल जाते हैं और दुख की घड़ी में मैं बहुत सही डिसीजन भी कर पाती हूँ, लेकिन मुझे सब मिलता है भागवत से। अच्छा। और मेरा एक सवाल ये है कि सब कुछ होते हुए भी एक दर्द हमारे दिल में क्यों रहता है गुरुजी, उसका कोई हल नहीं मिलता है। दर्द है मेरे आसिन में। डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को। मुझे ये दर्द है कि मतलब सब कुछ है जीवन में, लेकिन फिर भी मेरा कोई नहीं है भगवान के सिवा, कोई भी नहीं है। मुझे बहुत रोना आता है। इसमें रोना क्यों है? ये बात तो सही है कि भगवान के सिवा मेरा भगवान के सिवा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं सच मानती हूँ, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं भगवान की वजह से खड़ी। भगवान ही सबके हैं, पर व्यवहार में संसार में परिवार है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, सास है, इनमें रहना ही पड़ता है। रहना पड़ता है, लेकिन जैसे है वैसे ठीक है। ये स्वार्थ रहते हैं सब, पैसे और स्वार्थ और काम से ही। अगर मेरे हाथ पैर अच्छे हैं तो मैं अपने घर में टिक पाई हूँ, ये मेरा सत्य है। अगर मेरे हाथ पैर आज जवाब देते तो मैं अपने घर में भी नहीं रह पाऊंगी। भाई यही संसार की रीति है, आप कुछ करेंगे, कुछ कमाएंगे, चलेंगे फिरेंगे, काम करने लायक होंगे तो लोग इज्जत करते हैं। वो तो कम लोग ऐसे हैं जो बिस्तर पे पड़ जाएं और उनकी संतानें उनको पानी दें, सम्मान से रोटी दें। अब ये संस्कार बचे कम हैं, तो आप भगवान का स्मरण करो। मैं बिल्कुल स्मरण करती हूँ। और आपके ये आंसू बता रहे हैं कि आप संसार से उम्मीद करती हो। मुझे थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है संसार को, मैं चाहती हूँ कि मैं चट्टान की तरह हो जाऊँ, कोई मुझे कुछ भी कहे या मेरे पति मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, सास के साथ। आपके तो अच्छे हैं। एक बेटी है जो यही भागवत की शिक्षा ले रही है। तो आप अपने पति के साथ प्रेम से रहो, खुश रहो। प्रेम से रहते हो, लेकिन थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा आशीर्वाद दीजिए भगवान, मुझ पे ऐसी कृपा करें कि मैं चट्टान की तरह हो जाऊँ, अपने कर्तव्य पे ध्यान दूँ, मुझे किसी का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक। और मेरी आखिरी इच्छा भी यही है कि मेरी आखिरी सांस वृंदावन में ही लूँ, चाहे मैं कहीं भी पलू बढ़ूँ या फिर मेरे कहीं भी अपने कर्तव्य निभाऊँ, लेकिन आखिरी समय आखिरी सांस मेरी यहीं छूटनी चाहिए। ठीक। यही मेरी भगवान से इच्छा है। बहुत बहुत नमन आपके भागवत से, सचमुच मेरा जीवन बहुत बदला। मैं नहीं कह सकती मैं पुण्य आत्मा हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि बस अब जो रास्ता अपना लिया है वो जरूर मुझे अच्छे रास्ते पे या अच्छे मार्ग पे ले जाने वाला है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि मैंने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली है, तो अभी तक जो मैंने जीवन में जो पूजा पाठ माला जप किए हैं, क्या उन वो सारे निष्फल है, उनका फल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, पूरा मिलेगा। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं, गुरु दीक्षा के बिना वो सब निष्फल होता है। नहीं, सब मिलता है, गुरु मंत्र लेना चाहिए, बस ये समझो गुरु मंत्र लेना जरूरी होता है। तो गुरु कैसे बनाना चाहिए और हमें कैसे पता चले कि हम इनको गुरु ही बनाएं?
क्योंकि हम जहाँ रहते हैं तो बोलते हैं बहुत से लोग कि गुरु पूर्णिमा पे ही गुरु के पास भी जाना चाहिए दर्शन करने। वो तो आपकी इच्छा है, आप जाओ आप मत जाओ, वो तो आपका समय अनुकूल है तो जाओ, वरना जहाँ वहीं से प्रणाम कर सकते हैं अपने गुरु को। अच्छा, और गुरु मतलब हम कैसे बनाए गुरु को, कि हमारा गुरु में क्या होना चाहिए? आप देखो, गुरु जो होता है वह भगवान से जोड़ने वाला होता है, जो आपके हृदय को परिवर्तित कर सके, जो आपके हृदय में भक्ति का दीपक जला दे, बस वही आपका गुरु है। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी, मेरे को पूछना है कि मेरे को ठाकुर जी घर पे लाने हैं, तो मेरे को बार बार सपने में दिख रहा है कि ठाकुर जी को मैं घर ला रही हूँ, मंदिर में सेवा कर रही हूँ, तो वो पूछना है कि मतलब मैं उनकी सेवा कैसे कर सकती हूँ? घर ले जाओ, उनको रोज नहलाओ, वस्त्र पहनाओ, पुष्प चढ़ाओ, समर्पण करो, कीर्तन करो। मेरे को है कि मेरा काम का टाइमिंग ऐसा होता है कि मैं सुबह 7 बजे निकल जाती हूँ, दोपहर में आती हूँ, फिर शाम को 5 बजे निकलना होता है, 8-9 बजे आती हूँ। कभी भी जब समय मिले तब भगवान की सेवा कर लो। और एक ये क्वेश्चन और था कि मेरी शादी होने वाली है, तो मैं ठाकुर जी को अपने ससुराल ले जा सकती हूँ, अपने मम्मी के पास? हाँ, ले जा सकते हैं, ले जा सकती हूँ। ले जाइए। धन्यवाद। खुश रहिए। और किसका सवाल है? राधे राधे गुरु जी, मैंने आपकी अपनी गोदी में बैठना, मैं आपको आपकी गोदी में बैठ के कुछ सुनाना चाहती हूँ। क्या सुनाना? सुनाओ। पहले आप तो अपनी गोदी में बिठाओ, मैं आपसे प्यार करती हूँ ना। आओ आओ मेरे पास आओ। अब बताओ, ऐसे बात, अब बताओ। ये रहा माइक। गुरुजी, मैं आपसे बड़ा प्यार करती हूँ, मैं जब भी बरसाने जाऊँ मैं मम्मा को कहती हूँ, मम्मा मेरे को गुरुजी से मिलवाओ। मम्मा कहती कि वृंदावन में होते, फिर जब मैं वृंदावन जाती हूँ, मैं मम्मा को कहती हूँ, मम्मा तो मिलवा दो। मम्मा कहती अच्छा तेरे को मिलवा के जाती हूँ, मैं आपकी वीडियोज भी देखती हूँ, मैं आपकी कथा भी सुनती हूँ। मैं कथा में क्या अच्छा लगा आपको? मैं कथा आपकी अच्छी लगता है, आपकी कथा भी बड़ी अच्छी लगती है। ये अंगूठी किसने दिलाई आपको? मम्मा ने। क्या है ये अंगूठी? चलो, पढ़ते हो आप? कौन सी कक्षा में? फर्स्ट। और कुछ कहना है? बताओ और क्या कहना है। मैं सत्संग भी जाती हूँ, मैं सत्संग में भजन भी बोलती हूँ, मैं तो आपकी वीडियो देखती हूँ ना, मैं भगवान जी की भी वीडियो देखती हूँ। चलो, खुश रहो, खूब देखना कथा, ठीक है? खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे ये जानना था कि भगवत प्राप्ति कैसे की जाए, क्योंकि मैं अभी नया नया भक्त बना हूँ। अच्छा, नए नए जुड़े हैं भगवान से? पहले से जुड़ा था गुरुजी। ठीक है, माँ आई है साथ में, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे आपसे जुड़ने में। अच्छा है, आप जुड़ गए, अच्छी बात। बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? बस मुझे ये जानना था गुरुजी, भगवत प्राप्ति कैसे की जाती है? भगवत प्राप्ति तो ऑलरेडी आपको हो चुकी है। ये आपकी माँ कौन है? माँ ये भगवान यही है। भगवान कैसे हैं? हूबहू वैसे हैं जैसी माँ है। तो माँ के रूप में भगवान हैं, पिता के रूप में भगवान हैं, हर प्राणी के रूप में भगवान है, सबके रूप में भगवान है। तो सब तो हमें ऑलरेडी मिला है, बस पहचानना है। घूंघट के पट खोल तो ये पिया मिलेंगे, अपनी आँखों से, इन आँखों से नहीं। एक भीतर की वो सत्संग के द्वारा जागेगी, एक अंतर आत्मा से, मन की आँखों से। जिस दिन आप देखना शुरू करोगे तो आप कण कण में ईश्वर को देखना स्टार्ट कर दोगे।
तो भगवान मिलेंगे नहीं, मिल चुके हैं, बस पहचानना। और ओवरथिंक से कैसे निकला जाए गुरुजी? ओवरथिंकिंग से कैसे निकला जाए? कथा सुनते रहिए, बिल्कुल सोचिए मत, बिल्कुल मत सोचिए। जो हो रहा है वो आप नहीं करते, भगवान करते हैं, ये मान के कार्य करो। मैं कुछ नहीं करता, मेरे से भगवान कराते हैं। धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी आपको लाइव देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम आई हूँ गुरु जी वृंदावन में। अच्छा। और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए सबसे पहले। खुश रहिए। और गुरु जी जैसे मैं सिमरन पे बैठती हूँ ना, तो मेरा मन नहीं लगता उतना, जैसे हमारे जैसे जाप करते हैं ना गुरु जी का, तो 3-4 बजे उठते हैं ना, तो मन भटकता है बार बार, जैसे बार बार। तो कहाँ भटक के जाता? इस कमरे में चला जाता, पर उस कमरे में चला जाता? नहीं कमरे में नहीं, जैसे कभी कोई ख्याल आ जाएगा, दुनियावी ख्याल, कभी कोई ख्याल, कभी मतलब पूरा प्रॉपर। अच्छा, वो वाला ख्याल, प्रॉपर मन देखा तो ये ख्याल आया, वही वाला ख्याल आता है बस मन भटकता रहता है गुरु जी। कहाँ जाता भटक के बताओ? बस जैसे कि सिमरन बार बार करते हैं तो फिर संसार में ध्यान चला जाता है बार बार। संसार में किस में? बेटी में, बेटा में, पति में, पत्नी में, कभी कहां? काम में, कभी जॉब में, कभी वही बच्चों में, कभी। तो अच्छा तो है, बच्चों को पढ़ा लिखा के योग बनाओ, और मन देखो आपका है। हाँ जी। मेरा तो मेरा कंट्रोल में है, मेरी कोई शिकायत नहीं है मन से कि तू बड़ा चंचल, मैं होने नहीं देता उसको चंचल। जहाँ जाता है एक थप्पड़ मार के वापस ले आता हूँ। चल हमें भी आशीर्वाद दो गुरु जी आप, कि हम आप भी प्रैक्टिस करिए। मैंने जी भी प्रैक्टिस करी, तो मैंने भी अपने मन को अपने कंट्रोल में किया। मेरा मन वहीं जाता है जहाँ मैं चाहता हूँ, मेरा मन वहाँ बिल्कुल नहीं जाता जहाँ मैं नहीं चाहता। मेरा मन हमेशा अच्छी जगह में जाएगा, बुरा जगह में जा ही नहीं सकता। हाँ जी। इसलिए भगवान से प्रार्थना करूँ कि प्रभु इस मन को कंट्रोल में रखना अपने। तो आप भी प्रैक्टिस करिए, आप भी मन को साधिए। ए मन कहाँ चला? एक थप्पड़ मारो। ए मन, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। मन को समझाओ, समझाने से ना गधा भी समझ जाता है। हाँ जी, जी। समझाने से बंदर भी समझ जाता है। हाँ जी गुरु जी। बैल भी समझ जाता है जी। तो मन नहीं समझेगा? हाँ जी, आपके पास हर सवाल का जवाब है गुरु जी। आप तो बहुत प्यारे हो सच में, आपका आशीर्वाद बना रहे मुझ पर। खुश रहिए।